हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला, वो है रेडमी फ़ोन नोट 7S। एंड वो इसलिए एक्चुअली इसकी मुझे ज़रूरत भी थी, जो शायद मैंने बहुत दिनों पहले इनको बोला था। तो मेरे तेलुगु चैनल के लिए मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों चैनल के लिए एक ही फ़ोन में वीडियो शूट करने से पूरे क्लब हो जाते थे, फिर बहुत टाइम लगता था चेक करके लगाने के लिए। सो इन्होंने अवार्ड मिलने की खुशी में एक तोहफ़ा दे दिया। सो अभी जो मैं ऑलरेडी करंट फ़ोन यूज़ करती हूँ वो इससे ज़्यादा महंगा वाला है। ये तो नोट 7S है, उसकी क्लैरिटी ज़्यादा है वीडियो निकालने के लिए। इसकी जो है फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी मुझे थोड़ी कंपैरेटिवली उससे कम लगी, अदरवाइज़ फिर भी वीडियो शूटिंग कर सकते हैं इससे भी, सब कुछ कर सकते हैं। सो फ़ोन के अंदर चार्जर एंड हेडफोन्स ऑलरेडी निकल के बच्चों ने इधर उधर कर दिए, तो फ़ोन का जो अनबॉक्सिंग है वो अभी ही कर रही हूँ मैं। तो फ़ोन का ऊपर जो स्टिकर है वो भी निकालना है, एंड सिम भी इसके लिए चाहिए था, तो नया सिम भी है। सो सब कुछ नया नया है, फ़ोन भी नया है और सिम भी नया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इसका ये स्टिकर। निकालने से पहले लग रहा था ना निकालूँ, क्योंकि ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं ना, नहीं तो, बट निकालेंगे नहीं तो, प्रिंटेड है, अगर ट्रांसपेरेंट होता तब तो रख सकते थे, अलग से ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगवाना पड़ेगा। और इसके साथ जो केसिंग आई हुई है, मतलब जो मोबाइल होल्डर है, वो अच्छा खासा है। ये जो है बस नए नए में इतनी सफ़ेदी रहती है, बाद में ये कवर्स पीले हो जाते। एंड मेरे हस्बैंड ही वीडियो निकाल रहे हैं, देखिए फ्लैश ऑन है, तो पीछे का स्टिकर मैं निकालना भूल गई थी, इसलिए अभी दोबारा कवर निकाल के मैंने निकालूंगी। एंड जब भी कुछ चीज़ें अनपैक होती है, मतलब अनबॉक्सिंग किसी की होती है, तो बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले आ जाते हैं। जैसे स्टिकर्स निकाल रही थी तो अभिषेक बोलता मुझे दो, तो कोई भी स्टिकर्स होते हैं अपने ऊपर चिपकाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर खेलने के बाद फिर फेंक देता है। एंड देखिए कितना अच्छा कलर है, ब्लू कलर, एंड वैसे भी मेरा बड़ा फेवरेट वाला कलर है और ग्लेयर मार रहा है, लेकिन जैसे ही कवर्स लगते हैं इन फ़ोन्स पे, इन फ़ोन की सुंदरता पूरी कहीं चली जाती है। एंड ये रहा जियो का नया सिम, सो वो भी अभी मैं इसमें इंसर्ट करूँगी। तो कंपैरेटिवली जैसे दूसरे फ़ोन लिए हैं उसके अंदर पिन विन सब आती है, इसमें पिन्स नहीं आई कुछ, तो नॉर्मल सेफ्टी पिन जो होती है उससे मैं इसका सिम का जो सॉकेट है उसको ओपन कर रही हूँ। और इसमें दो सिम का और एक एसडी कार्ड का सॉकेट दिया हुआ है, मतलब प्लेस प्रोवाइडेड है। सो पहले फ़िलहाल मुझे एक ही फ़ोन की ज़रूरत थी, क्योंकि उस नंबर पे अगर मैं व्हाट्सएप एक्टिवेट करती हूँ और कोई चीज़ें मुझे अपने फ़ोन से उसमें भेजनी है या इसमें से अपने आप को भेजनी है तो वो हो सकता है, इसलिए सिम भी डला लिया। एंड एक नंबर स्पेयर रहे तो बेटर है करके ये सिम भी लिया है, तो दोनों चीज़ें गिफ्ट कर दी, सिम और फ़ोन। सो देखने में देखने में फ़ोन बड़ा ही सुंदर एंड काफ़ी, क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन एक जैसे ही लगते हैं, देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, साइज़, विड्थ या लेंथ, ओनली उनके अंदर की जो टेक्निकलिटीज़ है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इसलिए रेट में भी डिफरेंस आता है। सो अभी मार्केट में आपको किसी को अगर फ़ोन लेना है सस्ता टिकाऊ, अगर आप वीडियो नहीं निकालते हैं, जनरली आप यूज़ करना चाहते हैं कोई स्मार्टफोन, तो आप ये ले सकते हैं। वीडियो निकालने के लिए भी अच्छा है, लेकिन इससे भी बेटर अवेलेबल है, तो आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने तेलुगु चैनल के लिए लिया है ये। अगर कुछ फ्रंट कैम से निकालना होगा तब मैं अपने रेगुलर कैम से निकाल सकती हूँ, अदरवाइज़ रेयर कैमरा भी जो पीछे वाला है वो यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है और भगवान का नाम लेके पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने कुछ न्यू अपडेट्स देखे जो इससे पहले वाले फ़ोन में नहीं थे, मे बी अगर अब अपग्रेड किया हो तो उसमें भी आ चुके होंगे। जैसे कि जैसे ही ओपन होता है, जनरली गूगल और वाईफाई का तो ऑप्शन हर एक में आता है, लेकिन स्क्रीन लॉक का, आपको फिंगरप्रिंट लगाने का हर एक में नहीं आता है, क्योंकि मेरे वीवो जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें नहीं आया था, इसमें आ रहा है कि अगर आप इनिशियली ही जैसे ही आप पहले एक्टिवेट करते हैं फ़ोन को तो फिंगरप्रिंट स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। एंड ये देखिए अभी स्क्रीन ओपन हो चुकी है और कवर को मैं ज़रा ढंग से लगा लेती हूँ और उसके बाद एक भगवान के साथ पिक, एक फैमिली के साथ पिक तो बनता है। तो ये था मेरा गिफ्ट फॉर द अवार्ड। सो थैंक यू मेरे पति जी को एंड आप सबको भी कि ये सब हो पाया। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।